आज हम बात कर रहे हैं भारत के चर्चित वर्तमान विदेश मंत्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी श्री एस जयशंकर के बारे में। वे एक पूर्व राजनयिक रहे हैं जिन्हें वर्ष 2019 में केंद्रीय विदेश मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अपने अकाट्य तथ्यों और संतुलित बयानों के लिए अक्सर खबरों में रहने वाले श्री एस जयशंकर वर्ष 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। विदेश सेवा में अपने 38 वर्षों से अधिक के राजनयिक करियर के दौरान इन्होंने सचिव, उच्चायुक्त और राजदूत के रूप में कई अहम भूमिकाएं निभाई। वे 4 साल से भी अधिक के कार्यकाल के साथ चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजदूत भी बने। एस जयशंकर वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत थे। वर्ष 2019 में भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के निधन के बाद जयशंकर को उनके लंबे राजनयिक अनुभव के कारण मंत्रिमंडल में जगह दी गई।